नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। रूस यूक्रेन के बीच 8 दिनों से भीषण युद्ध जारी है। रूस की तरफ से अभी भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जहां हर तरफ पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण करने के फैसले की निंदा की जा रही है। तो वहीं बिहार के रूसी विधायक डॉक्टर अभय कुमार सिंह पुतिन की वकालत करते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से युद्ध के बीच बिहार के इस रूसी विधायक डॉक्टर अभय कुमार सिंह की चर्चा जोरों पर की जा रही है। हाल ही में उन्होंने बयान देते हुए रूसी हमले को जायज बताया था। उनका कहना है कि ये सैन्य कार्रवाई सही है, क्योंकि यूक्रेन को काफी वक्त दिया जा चुका था। लेकिन आखिर अभय सिंह है कौन और रूस में पुतिन के विधायक कैसे बने, तो आइए आपको बताते हैं। अभय कुमार सिंह बिहार के पटना में पैदा हुए थे। उन्होंने लोयोला हाई स्कूल में अपनी स्कूलिंग पूरी की है। वो साल 1991 में मेडिसिन की पढ़ाई के लिए रूस चले गए थे। इसके बाद वो भारत आए और डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस की, लेकिन बाद में फिर रूस ही चले गए और जल्द ही फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस शुरू किया। वहां जाकर उन्होंने बिजनेस में हाथ आजमाया और जैसे जैसे अभय के पैर रूस में जमते गए, व्यापार में बढ़ोतरी होती गई। फार्मा रियल इस्टेट में उन्होंने हाथ आजमाया था और फिर रसूख बढ़ने के साथ ही उन्होंने राजनीति में एंट्री ले ली। आज अभय कुमार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पार्टी से विधायक हैं। डॉक्टर अभय ने 2015 में पुतिन की पार्टी ज्वाइन की थी। इसके बाद 2018 में उन्होंने वेस्टर्न रशिया के कुसर्क से चुनाव जीता। वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन में रूस की भारी बमबारी जारी है। दोनों देशों के बीच 8 दिनों से संग्राम चल रहा है। आज दोनों के बीच अगले दौर की वार्ता होने की संभावना जताई जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।